नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिरंजीवी योजना के बारे में, यानी कि आचार संहिता लागू होने के बाद में चिरंजीवी पॉलिसी होना बंद होगी, रिन्यूअल होना भी बंद हो गई थी। अब हमें कुछ रियायत दी गई है, यानी कि अब हम है जो अपनी पॉलिसी रिन्यूअल करवा सकते हैं, यानी कि 31 तारीख तक जो भी पॉलिसी एक्सपायर हो रही थी उन सभी पॉलिसियों को हम रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन भी अप्लाई होती है कि हम कोई भी नई पॉलिसी नहीं काट पाएंगे, चाहे वो अदर पेड की हो या फिर वो पॉलिसी एस्पर कैटेगरी की हो या किसी भी कैटेगरी की वो पॉलिसी हो, हम नई पॉलिसी नहीं काट पाएंगे। जो हमारी पुरानी पॉलिसी थी, एक्सपायर हो रही थी पॉलिसी थी, और या फिर जो एक्सपायर हो गई पॉलिसी थी, उनको हम रिन्यू कर सकते हैं अपने ई मित्र के थ्रू। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपका ई मित्र लॉगिन करना है। ई मित्र लॉगिन करने के बाद एडिट टाइप सर्विस सर्च के अंदर ऑप्शन पे ओके करना है आपको। तो इसमें आप नई पॉलिसी नहीं कर पाओगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी रिन्यूअल ही कर पाओगे। तो इसके लिए सेम टू सेम हमारा पुराने वाला ही फॉर्मूला रहेगा, जैसे कि आपको ई मित्र ओपन करना है, यूटिलिटी टाइप सर्विस इस ऑप्शन पे ओके करना है। उसके बाद में आपको नॉर्मली वहाँ पे टाइप करना है चिरंजीवी। जैसे ही आप वहाँ पे चिरंजीवी टाइप करोगे, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चिरंजीवी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, आपको इस ऑप्शन पे ओके करना होगा। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे ओके कर दोगे, आपके सामने जनधार आधार जनधार कार्ड एक्नोलॉजमेंट नंबर से आपको सर्च करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप जनधार से आधार से कैसे भी सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद में अगर आपकी पॉलिसी रिन्यूअल करने के लायक होगी, अगर आपकी पॉलिसी रिन्यूअल करने वाली होगी, तो उस कंडीशन के अंदर आपको नीचे पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। और बाई चांस आपके एसएमएफ कैटेगरी है तो आपको ईकेवाईसी करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आपको ईकेवाईसी कर देनी है। अगर आप कोई नई पॉलिसी काटने के लिए ट्राई करोगे तो वहाँ से आपकी नई पॉलिसी नहीं कटेगी, ये गाइडलाइन के अंदर साफ साफ लिखा गया है। और वहाँ पे नीचे भी आपको पॉपअप का पेज मिल जाएगा, आचार संहिता लागू होने के कारण आप नई पॉलिसी नहीं काट सकते, ओनली बहुत पुरानी पॉलिसी को रिन्यूअल कर सकते हो। तो उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।